गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ दो शब्द रीड किया था, ठीक है? आज हम पाठ दो शब्द के कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? बेटा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बताया था, एक से अधिक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। एक से अधिक वर्ण को हम मिलाकर लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? शब्द, ठीक है? जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों को, जो शब्द हम लिखते हैं उनका कोई अर्थ निकलता है तो उन्हें हम कौन से शब्द कहते हैं? सार्थक शब्द, ठीक है? और जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है वो कौन से शब्द कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है बेटा? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1, चित्र पहचान कर उनका नाम लिखिए। चित्र पहचान कर उनका नाम लिखिए, यह आपको चित्र है दिया हुआ है, इसे देखकर लिखेंगे। किसका चित्र है ये? शेर। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? शेर, ठीक है? ये किसका चित्र है? पपीता। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? पपीता, ओके? ये किसका पिक्चर है? लड़का। तो आप लिखेंगे यहाँ लड़का। ये किसका पिक्चर है? कुर्सी। तो आप यहाँ लिखेंगे कुर्सी, ठीक है बेटा? अब है नंबर 2, चित्र पहचान कर शब्द पूरा कीजिए। हमें यहाँ शब्द पूरा करने हैं, ठीक है? चित्र पहचान कर, ये किसका चित्र है? पहाड़। तो हा तो लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे प हा ड पहाड़, ठीक है? ये किसका पिक्चर है? वानर। तो यहाँ र तो लिखा हुआ है, हमको लिखना है वान र वानर। ये किसका पिक्चर है बेटा? बादल। बा लिखा हुआ है, हमें लिखना है दल बादल। ये किसका पिक्चर है? अनार। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? अनार, अनार, ओके? सो चिल्ड्रन, प्लीज डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे होमवर्क सेंड करना है। थैंक यू।